वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी दिव्या थापा गाइस, एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का वीडियो कुछ ऐसा है। आज का वीडियो है मीशो के ऊपर। गाइस, मैंने मीशो से कुछ मंगाया है, मीशो से कुछ मंगाया है। तो देखते हैं क्या मंगाया है। मैंने देख चुका है, अब आपको दिखाना है। सो चलते ही गाइस। सो आज हमारा होने वाला है मीशो हॉल। आज मैं मीशो के ऊपर वीडियो फिर से बनाने वाली हूँ गाइस। सो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। बहुत ज्यादा सामान तो नहीं, ओनली 2 प्रोडक्ट मैंने मंगाया था। सो मैं दिखाती हूँ वो कैसा आया है, ठीक है। पहले तो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस मैंने इस बार मीशो से एक शूज मंगाया था, देखने के लिए कि कैसा है बोल के, कैसा आएगा, कैसी है क्वालिटी बोल के। सो मैंने एक शूज मंगाया था और एक मतलब थोड़ा सा अब विंटर सीजन आ रहा है तो जैकेट टाइप का मंगाया था। सो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि वो कैसा आया है बोल के, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शूज। सो यहाँ पे है गाइस हमारा पैकेट। कितना गंदा बोल रही हूँ मैं। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके अंदर है मेरा शूज, ठीक है। और ये मैंने पहले खोल के देख चुकी हूँ तो मैं ज्यादा वो ड्रामा नहीं करूंगी कि हाँ क्या होगा, कैसे आया है बोल के। बस मैंने देख चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कैसे आया बोल के। सो ये मैंने पहले फाड़ चुका था, मतलब खोल चुका था। और गाइस, सो यहाँ से दिखाते हैं। सो स्लो मोशन गाइस, ये मैंने खरीदा है 448 का और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये इसका स्टाइल थोड़ा सा कन्वर्स स्टाइल में है गाइस, और ब्लैक एंड व्हाइट में है। और जैसे कन्वर्स में ये ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं इसका लोगो, देखो भी बना हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। और ये ब्लॉक हील की वजह से ही मैंने इसको लिया। और 448 में तो वर्थ इट है गाइस, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा बहुत इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क तो आएगा ना, 448 का है गाइस, जान लोगे क्या 448 में। तो मतलब 448 में तो बहुत अच्छा आप ले सकते हो, तो क्वालिटी बेस में मत जाना। क्वालिटी इसका अच्छा है, कम से कम तुम 10-20 तो नहीं, 6-7 बार तो लगा सकते हो। लेकिन इसके धोने के बाद क्या हाल होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो बेस्ट है गाइस। सो इसको मैं लगा के भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और एकदम लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि भारी भरकम वाला जो होता है तब भारी होता है, वैसा वाला नहीं, लाइट वेट है गाइस। और पीछे से ऐसा है, आगे से गाइस मैं आपको गाइस सेकंड प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि सेकंड प्रोडक्ट मैंने क्या मंगाया है। सो ये रहा गाइस मेरा सेकंड, ये भी मैंने खोल चुका है, ठीक है। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं करते हम, तो 1 2 3 गाइस। सो मैंने ये ऑर्डर किया था गाइस, बट मैं इससे थोड़ा डिसअपॉइंट हूं क्योंकि ये पता है डिजाइन वैसे ही है, ब्लैक एंड व्हाइट और सब कुछ वैसे ही है, लेकिन ये मतलब जैकेट स्टाइल में था। और ये पता है, सो गाइस ये वाला जो इसको हम जैकेट बोले कि टी शर्ट बोले क्या बोले, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैंने ये जैकेट समझ के मैंने ये ऑर्डर किया था और इसका प्राइस है 550, लेकिन ये एकदम टी शर्ट स्टाइल में आया गाइस। ये जो है ना, इसका कपड़ा इतना थिन है, इतना पतला है, और आई डोंट लाइक इट गाइस। और इसका बटन ऐसा वाला है, टिप टॉप वाला है। और शॉर्ट्स में है ये, शॉर्ट्स में मतलब अय्या ऐसे में है गाइस, ये देखो दिखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे जैकेट में चाहिए था गाइस, ये टी शर्ट में क्यों आया ये। सो इसीलिए इसको मैं वापस करने वाली हूँ। और लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप जैकेट समझ के ये ऑर्डर करोगे मीशो से, तो वो जैकेट स्टाइल में नहीं आएगा, टी शर्ट स्टाइल में आएगा। तो मुझे विंटर के लिए चाहिए था, बट ये टी शर्ट लगा के क्या करूंगी गाइस, ये तो ये लगाऊंगी फिर इसके ऊपर से जैकेट लगाना ही पड़ेगा तो छुप जाएगा ना, तो क्या फायदा है इसका। इसलिए मैं इसको वापस कर रही हूँ और इसको मैं ले रही हूँ गाइस। तो गाइस आज का मीशो हॉल यही था, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा,
एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा ऐसे ही. सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.